गुस्से में भी संभल के बोलें कि न बाद में पछताना पड़े, न बाद में माजरत करनी पड़े, न अल्लाह की बारगाह में मुजरिम होके खड़े हों कि एक जबान का बोल जहन्नम की वादियों में फेंक देता है और एक जबान का बोल जन्नत के आलीशान दर्जात तक पहुंचा देता है। इसको गीबत से साफ कर। अगर आप अपने घरों में खुशी देखना चाहते हैं तो अपने घर की निजी मजलिस में भी गीबत को खत्म कर। आप बच्चे बैठे हैं, बीवी है, खामिद है, मां है, बाप है, बहन भाई बैठे, सारा दिन जो बोलना है बोलो, गीबत ना बोलो, किसी की बुराई ना बोलो, किसी को बुराई मत सुनो, किसी की बुराई मत बोलो। आपके दिलों को अल्लाह सुकून दे दे, न देखो न बोलो न सुनो, तो आपके दिल पर सुकून हो जाए। जो चीज मार्केट में कम होती उसका रेट बढ़ जाता। ये जो मैं आपको दीन की सिफत बता रहा हूं, ये मार्केट में है ही कोई नहीं, फिर के बता रहा हूं, दुनिया फिर के बता रहा हूं, मार्केट में ये सौदा कोई नहीं। आप ले लें, मैं ले लूं, ये मस्तूरात ले लें, कीमत अल्लाह बड़ी लगा दे, बड़ी कीमत लगी। जब अल्लाह बुलाएगा ना भाई इल्म वाले आ जाओ तो बड़ा मजमू होगा। अल्लाह कहेगा भाई जिक्र वाले आ जाओ, नमाजी आ जाओ, रोजे वाले आ जाओ, हज वाले आ जाओ, उम्रे वाले, एक बहुत बड़ा मजमू होगा। जब अल्लाह कहेगा जबान की हिफाजत वाले आ जाओ, अच्छे अखलाक वाले आ जाओ, तो हमारे पंजाबी कहते हैं टामा टामा कोई उठेगा, तो कोई कोई उठ के दिखाई देगा। फिर इनको जो प्रोटोकॉल मिलेगा ना, वो ना किसी तहज्जुद गुजार को मिलेगा, ना किसी इबादत गुजार को मिलेगा। इनकी नबियों के बाद इनकी शान होगी, नबियों के बाद इनकी शान होगी। कि ये मार्केट में सौदा है ही नहीं। तो आप सबसे कहता हूं, पूरी जिंदगी से, मैं सिर्फ हज से मुतालिक बात नहीं कर रहा हूं, मेरी आपकी पूरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला अमल अर्ज कर रहा हूं कि इस जबान को खूबसूरत बोल कादी बनाए या टेप लगा ले, चुप हो जाए। जरूरत की बात करो, हंसी मजाक की बात करो, दिल दुखाने की बात नहीं, बेइज्जत मत करो किसी, जलील ना नौकर को ना नौकरानी को। कि हमारा सारा मुआशरा हाइपर है, जरा से बहुत ठो 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 ठो, मुर्दों को मसीहा कर दिया, रहबरे आजम सहाबे करम शाहे हरम शफीउल उमम।